अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख अहद है। मैं जा रहा हूँ कोतवाली अपने आप को सरेंडर करने। दो तीन दिन से इधर उधर भाग रहा था घर से दूर। पुलिस हमें ढूंढ रही थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो फंसाया गया है जाने अनजाने में हमसे हुई है। वो जो मेरे पोल्ट्री फार्म में जो बम मिला है वो हमें नहीं पता था कि उसमें वो है, बम है। मेरी मुलाकात जिसान से हुई खजूर फेस्टिवल पे रमज़ान के पहले। तो दस हम वहाँ वसीयाबाद हम आते जाते रहते थे, मुलाकात होती रहती थी। मेरा पोल्ट्री फार्म चल नहीं रहा था क्योंकि नुकसान बहुत हो गया था। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हमने किसान से कहा, और हुमैद भाई भी थे तो उन लोग से कहा कि हमें जॉब चाहिए कोई। तो इन लोग कानपुर में कोई खजूर का शोरूम खोलने वाले थे, उसके लिए हमसे बोला कि करोगे? तो हमने बोला हाँ करेंगे। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया किसान ने, बाकायदे ऑफिस में बैठ के वसीयाबाद वाले। हमने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद फिर हमसे सैलरी वैलरी पूछी तो हमने कहा हमें 16,000 मिलता था जब हम भारत समाचार मीडिया में काम करते थे। तो उसने कहा हम इतना नहीं दे पाएंगे शुरू में, बाकी जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो हम दे देंगे, बढ़ाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा गाड़ी नहीं है, तो उसने गाड़ी के लिए भी कहा कि हम गाड़ी भी दे देंगे। उनके पास जावा थी बुलेट। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक सामान है इसको अपने यहाँ रख लो पोल्ट्री फार्म पे। तो हमने बोला कि पोल्ट्री फार्म में रखने की जरूरत, हम अपने घर पे रख ले रहे हैं। तो कहीं नहीं, घर पे नहीं रखो, पोल्ट्री फार्म में रखो, हम एक दो दिन में ले लेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हम उसको सामान पे, उन्होंने कहा छूना नहीं, इसको देखना नहीं। तो हमने कहा ठीक है। हमने उतना दिमाग नहीं लगाया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर हम उसको ले गए पोल्ट्री फार्म में रख दिए। खाला के पास, आंटी के पास गए जो पोल्ट्री फार्म के पास ही रहती हैं, वही देखती रखती हैं, दाना उन्हें देती हैं हमारे ना रहने के। तो उनके पास हम गए, हमने कहा कि वो सामान रखा है इसको छूएगा नहीं, किसी की अमानत है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है? तो हमने कहा नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई बात नहीं। हम चले आए घर पे, सुबह उठे एकदम, बैंक गए, काम किया, LIC गए, इधर उधर का काम किया। जोहर की नमाज़ पढ़ के जैसे ही निकले आंटी के घर से फ़ोन आया कि क्या नाम है, पूरी पुलिस फोर्स आई है, तुमको ढूंढ रही है, तुम्हारा नंबर मांग रही है। मेरा दिमाग एकदम खनक गया, कल रात में हमने यही रखा है, शायद वही कुछ होगा। मेरा दिमाग काम नहीं किया। हमने कहा ठीक है, हम क्या नाम है आते हैं, अगर इन वो नंबर मांग रहे हैं या पुलिस वाले, हमको दे दो। फिर पुलिस वालों से बात हुई तो हमने कहा कि हम 6 बजे तक आएंगे, कौसाम्बी में हैं। फिर हम पूरे घबराए हुए थे, तो फिर हम गए ताहिर के घर पता करने। वो पता चला कि पुलिस वाले उसको उठा ले गए, और फिर जिसान का भी पता चला उठा ले गए। फिर मेरा दिमाग एकदम ख़राब कि लग रहा कोई ऐसी बात है, तभी हम एकदम डरे हुए कि करे तो करे क्या, अब हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हम इधर उधर नाच रहे थे कि कैसे ही कुछ हो जाए। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे हम, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। कोई बात नहीं, 6 बज गए, हमने ऑन नहीं किया। फिर 7-8 बजे हुआ तो फिर हम कहा लाओ चले डांडी चले, देखिए क्या होता है, देखते हैं क्या है। हमने फ़ोन किया, आंटी को फ़ोन कर रहे थे, आंटी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, काट काट दे रही थी। फिर अंकल को फ़ोन किया, अंकल फ़ोन उठाए, कहीं कौन? तो हमने कहा हम शाहरुख बोल रहे हैं, ये बताइए उन लोग गए? तो उन्होंने कहा कि प्लाट से बम बरामद हुआ है, पूरे न्यूज़पेपर में निकल आया। मेरा दिमाग एकदम ख़राब, हाथ पैर ठंडे हो गए। फिर हमने जिनका कॉल आया था ATS का मेरे पास, जो दिन में जिससे बात हुई थी मेरी, जो कहे थे कि 6 बजे क्या नाम है हम आएंगे, हम जिससे बोला था उनको कॉल किया 2 बार,
पूरी पूरी बेल गई, उन्होंने उठाया ही नहीं। मेरा और दम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम क्या करें। फिर मोबाइल वोबाइल हम स्विच ऑफ करके इधर उधर जाने लगे, भागने लगे, कहाँ जाएं ये वो। दो तीन दिन हम ऐसे ही कहीं ढाबे पे सो गए, कहीं क्या नाम है किसी किनारे खा पी ऐसे ही। जैसे आज बड़ी हिम्मत करके खुद को एकजुट करके हमने कहा, जब तुम शाहरुख गलत नहीं हो तो डर क्यों रहे हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।